असलकम दोस्तों माजिद टी वी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशा मदीद कहता हूँ नजरन क्राम किसी भी मूवी या ड्रामा की शहरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि इसको कितने एवार्ड्स मिले आप देखते होंगे कि आए रोज़ एवॉर्ड्स शो मुनद किए जाते हैं जो कि इस साल के बेस्ट ड्रामों या मूवीज़ को दिए जाते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं नजरन क्राम एवार्ड्स के लिए आम आवाम की राय के साथ साथ जूरी को भी बिठाया जाता है जो कि कंफर्म करती है कि किस ड्रामे को कौन सा अवार्ड देना चाहिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरतरल गाजी ड्रामे ने भरपूर कामयाबी के बाद कितने अवार्ड्स अपने नाम किए और किस मुल्क ने अरतरल गाजी को अपने मुल्क का सबसे बड़ा ऑनर एवॉर्ड दिया तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से माजी टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें दो सौ अर्तरोल गाजी जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और अब तक ये ड्रामा तकरीबन पचास मुख्तलिफ ज़बानों में डब होकर मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहा है और कामयाबियाँ समेट रहा है मुस्लिम दुनिया का पहला ये ड्रामा जो कि मुस्लिम तर्ज हुक्मरानी और सल्तनत उस्मानिया पर बनाया गया है अर्तरो ड्रामा दो हज़ार चौदह में तुर्की में शुरू हुआ जो कि दो हज़ार उन्नीस में अपने अख्ताम को पहुँचा दोस्तों ये पूरी दुनिया का वो वाद ड्रामा है जो कि इतनी ज़्यादा जबानों में डब हुआ है इसके साथ साथ दोस्तों तारीखी एतबार से एक्शन से भरपूर टर्किश ड्रामा सीरियल अरतरल गाजी दुनिया भर में इसलिए शहरत हासिल कर चुका है कि अरतरल गाजी का प्यार बहादुर गुस्सा रहमदिली और कुफ़ार की ईंट से ईंट बजाने वाले कारनामे दुनिया को बहुत पसंद आ रहे हैं दोस्तों इस्लाम का असली मुजाहद अरतरल ड्रामा में न सिर्फ इस्लाम दुश्मनों को मौत के घाट उतारता है बल्कि हर उस इंसान की जान ले लेता है जो उस मुजाहिद के करीबी लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है अरतुल गाजी इस्लाम की बका और अपने खानदान की हिफाजत के लिए किसी भी मैदान में उतर जाया करते और दुश्मनों को मौत का मजा चखाकर अपने खानदान की हिफाजत करते दो इसके साथ साथ इस ड्रामे की मकबूलीत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि गाजी किसी भी खातून पर कभी भी म नहीं होने देते थे यह ड्रामा मुकम्मल इस्लामी माशरे की अक्सी करता है क्योंकि दोस्तों ये ड्रामा एक ऐसी तलवार साबित हुआ है इस प्रोपीगंडे पर जो कि यहूदी बड़े अरसे से इस्लाम मुखालिफ कर रहे हैं इस ड्रामे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब अरतरल सीरीज़ देखने के बाद गैर मुसलिम शायकन अब इस ड्रामे के अदाकारों के हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं मज्ज़ नाजरीन इकर्राम गाज़ी सीरीज की खूबी ये है कि इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल कर दी गई हैं जो कि एक इंसान की अजमत को बुलंद करती हैं हालांकि जिन गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है या बाद में करेंगे वो ये सब देख चुके हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद और इज़्ज़त देने वाला मज़हब है इसके अलावा दोस्तों इनको ये भी यकीन है कि मुस्लिम कम्यूनिटी की वहदत और इस वहदत केसार में मिलने वाला तहफ़ कितना ख़ूबसूरत होता है दोस्तों वैसे तो इस ड्रामे को काफ़ी सारे तुर्की के नेशनल एवार्ड से नवाजा गया और काफ़ी पजीराई मिली इस ड्रामे की लीड कास्ट को मुख्तलिफ मुल्कों में बुलवाया गया और इज्जत दी गई कुवैत में सबसे बड़ा शो मनद किया गया गाजी की पूरी टीम के लिए और कुवैत ने अर्तरुल गाजी के मेन करेक्टर को सबसे बड़ा ऑनर एवॉर्ड भी दिया इसके अलावा दोस्तों तुर्की में तुर्की की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शो मनद किया गया जिसमें खसूस तौर पर तुरगत और बामसी को इनवाइट किया गया और इन्होंने अर्तुल गाजी का ड्रेस पहना हुआ था और इन दोनों ने वहां पर खूब मेला लूटा दोस्तों इस ड्रामे को दुबई के सबसे बड़े अवार्ड यानी डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड से नवाजा गया तथा इसके अलावा दोस्तों अर्थरुल गाजी को तुर्की का बेस्ट हीरो ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया इसके अलावा दोस्तों अल्तन केली बेक का बेहतरीन अवार्ड भी ने अपने नाम किया एंजन अल्थान को बेस्ट हीरो ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला दोस्तों जैसे जैसे यह ड्रामा कामयाबियों की बुलंदियों को छूता जा रहा है वैसे ही इसकी अदाकारों को लोग खूब मोहब्बत और इज्जत दे रहे हैं गाजी में आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़